हाय दोस्तों, मैं हूं आपका डॉक्टर सुमित। आज मैं अलग अलग देशों के एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जानकारी आपको देता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा यूरोप का देश यूक्रेन, यूक्रेन में कैसे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, सी पोर्ट्स, वहाँ की होलसेल मार्केट्स के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, वहाँ के एयरपोर्ट्स के बारे में जानकारी दूंगा। तो आप दोस्तों पूरा वीडियोस देखें और इंजॉय करें। दोस्तों, यूक्रेन की जो राजधानी है वो है कीव, वहाँ की राजधानी है कीव। यूक्रेन रशिया का पहले पार्ट था, सोवियत संघ का पहले पार्ट था, अब ये अलग देश है। की वहां की राजधानी है और वहां की जो मुद्रा है वो हरी हरिविनिया हरिविनिया वहां की मुद्रा है। वहां की जो भाषा है यूक्रेनियन रशियन है, क्योंकि वो रशिया का पार्ट था, यूक्रेन रशियन है। तो जब भी आप विजिटिंग कार्ड ले जाएं अपना और एक्सचेंज करें बिजनेसमैन के साथ विजिटिंग कार्ड, तो रशियंस में जरूर लिखाओ दोस्तों, क्योंकि यहाँ बहुत कम इंग्लिश बोलते हैं लोग। तो दोस्तों, जो यूक्रेन में जब भी आप टेलीफोन में बात करें तो उसका कंट्री कोड है 380380। यूक्रेन में दोस्तों हम क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया वाले, इंडिया के लोग, इंडिया के जो एक्सपोर्ट रहे हैं दोस्तों, यूक्रेन इंडिया से बहुत ज्यादा पैक्ड जो टी है, चाय और कॉफी, जो वर्ल्ड क्लास चाय और कॉफी है वो यूक्रेन में एक्सपोर्ट होती है दोस्तों, इंडिया से। यूक्रेन ठंडा देश है इसलिए दोस्तों गर्म कपड़े एक्सपोर्ट होते हैं। दोस्तों, टेक्सटाइल का सामान एक्सपोर्ट होता है, गर्म कपड़े एक्सपोर्ट होते हैं यूक्रेन से। दोस्तों, हम हैवी मशीनरी इंपोर्ट करते हैं, हैवी मशीनरी इंपोर्ट करते हैं। हमारे बहुत से बच्चे एमबीबीएस करने जाते हैं यूक्रेन में, तो ये बात दूसरी है दोस्तों। इसलिए यूक्रेन यूक्रेन में हम फ्रूट्स काफी एक्सपोर्ट करते हैं, फ्लावर एक्सपोर्ट करते हैं, फूल, फ्रूट्स में आम, अमरूद, केला, ये सब एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तों। और सब्जियों में पोटैटो, आलू, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, ये हम पैकेट एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तों। हम मीट बहुत एक्सपोर्ट करते हैं यूक्रेन में दोस्तों, मीट काफी एक्सपोर्ट करते हैं। सी फूड्स हम काफी एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तों। फर्नीचर का सामान हम एक्सपोर्ट करते हैं, प्लास्टिक का हम सामान एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तों। शूज जो हैं, लॉन्ग शूज, जो बर्फ में दोस्तों, बर्फ में जो गर्म करके रखते हैं बॉडी को, वो शूज हम इंडिया से काफी एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तों। कारपेट एक्सपोर्ट करते हैं, कालीन काफी एक्सपोर्ट करते हैं, और टेक्सटाइल और जो कपड़े का सामान दोस्तों, गर्म कपड़े का सामान हम बहुत एक्सपोर्ट करते हैं यूक्रेन में। तो दोस्तों, मैं कुछ सी पोर्ट्स के नाम आपको बता रहा हूँ जिनसे आपको ये पता चल जाएगा कि हम कहाँ कहाँ पे बहुत कम रेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जहाँ जिस सी पोर्ट्स पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है दोस्तों। ये हमारी जो सी पोर्ट्स हैं वो है पोर्ट ऑफ इजमेल, इजमेल पोर्ट ऑफ रैनी और पोर्ट ऑफ अस्त दोनिश दोनिश्क। ये मैंने आपको तीन पोर्ट बताए, सी पोर्ट्स बताए, जहाँ बहुत कम पैसे में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू अदर पोर्ट, दूसरे पोर्ट की अपेक्षा। और सबसे ज़्यादा फैसिलिटी भी दोस्तों यहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कंटेनर को रखने की। अब मैं आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बताता हूँ यूक्रेन के, जहाँ कार्गो विमान से आप अपने सामान को भेज सकते हैं बहुत जल्दी, बहुत कम समय में, रीजनेबल प्राइस में। दोस्तों, ये हैं रिवनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और तर्नोपिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, ये दो एयरपोर्ट्स हैं दोस्तों। यहाँ पे काफ़ी फैसिलिटी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की है। अब मैं दोस्तों आपको होलसेल मार्केट्स के बारे में बताता हूँ, जहाँ पे आप बायर और सेलर को ढूंढ सकते हैं जब भी आप एग्जीबिशन में जाएं। और तो ये आप ध्यान रखें इन होलसेल मार्केट का जरूर, ये बहुत बड़ी होलसेल मार्केट है दोस्तों। मार्केट वर्ल्ड नाम से होलसेलर मार्केट है यूक्रेन की। यहाँ पे बहुत अच्छी आपको फूड का जो है, आप डिब्बाबंद जो हम खाना भेजते हैं, डिब्बाबंद चीज़ें भेजते हैं, ओट्स भेजते हैं, जो हम दलिया भेजते हैं, ओट्स हो गया, और ये पैक्ड फूड हम भेजते हैं। यहाँ पे होलसेल मार्केट है, वेजिटेबल्स की होलसेल मार्केट है दोस्तों, फ्रूट्स की, फल की होलसेल मार्केट है, क्लोथ की होलसेल मार्केट है इसमें, मार्केट वर्ल्ड में। सेकेंड, मैं आपको बताता हूँ यूक्रेन में प्लेसिनर, प्लेसिनर यूक्रेनिया होलसेल मार्केट है दोस्तों। ये भी काफ़ी वेजिटेबल्स में, सब्जियों में, फल में और कपड़ों में, गर्म कपड़ों में, यहाँ पे आपको दोस्तों काफ़ी अच्छी मार्केट मिलेगी दोस्तों। तो हम ये हमारी जो कंपनी सुप्रिया ग्लोबल एक्जिम कंपनी, ये 2 दिन की वर्कशॉप लगवाती है। पहले दिन हम इंडिया के रूल रेगुलेशन के बारे में बताते हैं, दूसरे दिन जिस देश में आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं उस देश के रूल एंड रेगुलेशन के बारे में दोस्तों बताया जाता है। हम आपको एक डिजिटल प्रोग्राम भी देते हैं जिससे आप ऑनलाइन अपने सारे फॉर्म सर्टिफिकेट आप दोस्तों भर सकते हैं। दोस्तों, हम डिप्लोमेटिक तरीके भी बताते हैं जिससे आप दोस्तों एक जेन्युइन बायर, एक असली बायर को पहचान सकते हैं दोस्तों। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट लिखिए, लिखिए मुझसे कोई भी बात करनी हो दोस्तों,
तो हमारे स्क्रीन पे जो नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं डायरेक्ट मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं दोस्तों। हमारे पुराने चैनल के वीडियो भी जरूर आप देखें, देखें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।